ये तो आपको कार्यक्रम के दौरान ही हटाना पड़ेगा, आपके लोग भी अगर आप आएंगे इसको तो इसको हटाना ही पड़ेगा। ये तो बीच का बैरिकेड आप एक चीज मेरे समझ में नहीं, ये अचल सा किधर है, हमारे इधर है का आपके उधर? अच्छा सर पहले माना सर आप एक माने हिसाब तो रहा है हिसाब के। देखिए बी टीम और सी टीम और डी टीम मैं इन विशेष में विश्वास नहीं रखता, लेकिन ये खुला मैदान है और लोकतंत्र के इस समर में सबकी अपनी अपनी आकांक्षाएं अपेक्षाएं उत्कंठाएं इच्छाएं और जो होती हैं सब अपनी अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए लोकतंत्र के इस समर में जो हाथ अजमाएंगे। अभी थोड़े दिन पहले अरविंद केजरीवाल साहब भी आकर के गए थे, एक लंबा चौड़ा भाषण वर्तमान सरकार को लेकर के दे के गए थे। ओवैसी साहब आए थे, उन्होंने भी यहाँ पे बाड़मेर में सब जगह पर कार्यक्रम किए हैं। अभी मुझे लगता है कि कुछ लोग और भी नए आने वाले हैं, कुछ जो इधर उधर खड़े हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में खड़े हैं वो भी शायद कुछ नई रास्ते खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा बादल छटेंगे, जब चुनाव के बादल छटेंगे तब जो है सूरज निकलेगा, और जब सूरज निकलेगा तो ये एक चीज़ अवश्यंभावी है कि कमल जरूर खिलेगा। और संबंध पहले वाला ज्यादा मजबूत है, पहले वाला दांत एक जीव है मेरा जीव है करा सर। एक भव्य होली स्नेह मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, किस तरह से यह कार्यक्रम आयोजित है, क्या उद्देश्य है, कौन कौन इसमें शिरकत करेंगे? देखिए कार्यकर्ताओं का एक साथ मिलना बैठना आपस में चर्चा करना, भारतीय जनता पार्टी क्योंकि परिवार भाव के साथ में काम करने वाली पार्टी है तो सहजता के साथ में इस तरह के संबंध मिले रहे हैं। और साथ साथ में इन संबंधों के द्वारा हम आपसी सौहार्द को बढ़ा करके परिवार भाव को और अधिक परिपुष्ट करें, इस दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने की परंपरा रही है। दिवाली के समय ये तय किया था कि दिवाली स्नेह मिलन जोधपुर शहर की तीनों विधानसभाओं का थोड़ा भव्य स्तर पर करें, सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ एकत्रित होकर के एक दूसरे से मिलने का शुभकामनाएं देने का अवसर मिले। लेकिन दुर्भाग्य से उस समय जो तिथि तय की थी उससे दो दिन पहले ही मोरबी का दर्दनाक हादसा हो जाने के कारण से देश भर में भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के दीपावली स्नेह मिलन के कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आग्रह से कहा था कि क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ है, सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी गई है, सैकड़ों परिवारों में एक साथ गम के बादल छाए हैं, और क्योंकि हम सभी एक परिवार हैं इसलिए हम कहीं खुशी मनाएं ये उपयुक्त नहीं है। इसलिए जो दिवाली पे नहीं कर पाए थे इसलिए होली के अवसर पर एक बार सभी लोगों के लिए इस तरह के कार्यक्रम की शुरुआत की है। पहले स्थानीय स्तर पर, कुछ विधानसभाओं के स्तर पर, कहीं मंडल के स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम होते थे, लेकिन पूरे शहर के तीनों विधानसभाओं का एक साथ कार्यक्रम हो, और जो कार्यकर्ताओं का वृहद परिवार है भारतीय जनता पार्टी आज बूथ तक और बूथ पर भी बूथ की पूरी 21 लोगों की समिति तक भारतीय जनता पार्टी का व्याप बढ़ाए, एक बार जोधपुर शहर की भारतीय जनता पार्टी का बूथ की इकाई में काम करने वाला 21वें नंबर का कार्यकर्ता, जो 21 कार्यकर्ताओं की सूची है, वो भी आकर के भारतीय जनता पार्टी के परिवार के वृहद रूप को देखे। और जिस तरह से महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देने के बाद में, गीता का उपदेश देने के बाद में अर्जुन को अपने महत्ता को साक्षात्कार कराने के लिए वृहत रूप का दर्शन दिया था, जो छोटा भारतीय जनता पार्टी का धरातल पर काम करने वाला कार्यकर्ता है, जिसने पहला दायित्व लिया है, जो बूथ के दायित्व के साथ में काम कर रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के इस वृहत रूप को देखे, इस विराट रूप को देखे